सो हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल नेपाली रोहित रिएक्शन भिडियो में आज को भिडियो मैं आयुष भाई को लेकर आसो जिसमें एउटा सैड न्यूज के सैड न्यूज हम एलिजा बहिनीलाई हैन कसले केही न केही भने जस्तो लाग्यो मलाई किनकि यहाँ नकाब बडा लिएर क्वेश्चन उठ्या छ हैन यहाँ आलिजाको बहिनीले के एक्सप्लेन गर्दै छन् तर नकाबलाई लिएर किन प्रब्लम छ मान्छेको उहाँले फेस देखाउन चाहनुहुन्न भने चाहिँ उहाँको त्यो आफ्नो पर्सनल मामला हो हैन त्यो उहाँको जाति मामला हो ठिकै छ सोशल मिडियामा आउनुहुन्छ लोकलाई हाम्रो सबैलाई इन्टरटेनमेन्ट गर्नुहुन्छ इन्टरटेनमेन्टसम्म सीमित रहन कोही मान्छे होइन कि मान्छेको पर्सनल लाइफभित्रै नै घुस्न कोसिस गर्छ त्यो सबभन्दा ब्याड मलाई लाउँछ क्या किनकि हर मान्छेको एउटा आफ्नो पर्सनल मामला हुन्छ होइन पर्सनल चिज हुन्छ त्यसलाई छेडखानी नगर्दा राम्रो हुन्छ कि यहाँ कति मान्छे यस्तो हुन्छ नि जो पर्सनल चिजलाई लिएर घोचल्न सुरु गर्छन् होइन जो त्यो नि जो एउटा स्टेप हुन्छ नि त्यो स्टेपसम्म नरुकेर होइन त्यो स्टेप भन्दै नै माथि मतलब एकदमै भित्र जाम गर्न खोज्छन् त्यो चिजलाई मलाई एकदम ब्याड लाउँछ क्या हर कसैको मान्छेको हर मान्छेको एउटा पर्सनल लाइफ हुन्छ सो उहाँको पर्सनल लाइफमा उहाँले जिन्दिनु जब उहाँले यति इन्टरटेनमेन्ट गराउनुहुन्छ मान्छेलाई मान्छेहरूले होइन उहाँको भिडियो हेरेर इन्टरटेनमेन्ट गर्छन् आफ्नो दिमाग क्लियर गर्छन् मन क्लियर गर्छन् फ्रेस हुन्छन् होइन किनकि अहिलेको सोसल मिडियाको जमाना छ होइन हेर्नु कति मान्छेहरू कति क्रिएटरहरू यस्तो छन् होइन जो हाम्रोको मतलब हाम्रोको हुन्छ नि एउटा भ्युवर्सहरूको मन बदल्नको लागि दिमाग चेन्ज गर्नको लागि कति राम्रो राम्रो भिडियोहरू बनाउँछन् सो हामीले त्यो चिजको इन्जोय गरौँ क्या पर्सनल लाइफमा कसैको गएर त्यसमा इन्टरफेयर गर्न मलाई त्यो चाहिँ एकदम मन पर्दैन तर यहाँ आज त्यही क्वेसन आएछ हाम्रो आयुष र आलिजा बहिनीको माथि होइन कि उहाँको फेसलाई लिएर उहाँको नकाबलाई लिएर सायद यहाँ क्वेसन गरे हान् जस्तो मलाई लाग्यो सो यहाँ हाम्रो आलिजाको बहिनीले केही एक्सप्लेन गर्दैछन् सो के एक्सप्लेन गर्दैछन् के कुरा भयो आखिर के कारण हो कुन मान्छेले हो मान्छे डाइरेक्टली बताएन कि बताएनन् कि के कारणले हो उहाँको उहाँलाई चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ डिमोटिभेट गर्न खोजेछन् होइन भिडियोमा किन उहाँको फेस हेर्न खोज्छन् मेरो ख्यालमा त्योभन्दा पहिला पनि आलिजा बहिनीको एउटा दुइटा फोटो छ होला मैले अझैसम्म देखाएको छैन सो मैले चाहन्न अगर उहाँ कम्फर्टेबल हुनुहुन्न आफ्नो फेस देखाउन त म चाहन्न कि उहाँको फेस देखौँ भनेर किनकि उहाँ जस्तो तरिकाले भिडियोमा आउनुहुन्छ मान्छेलाई इन्टरटेनमेन्ट गर्नुहुन्छ र होइन हाम्रोको दिमागलाई फ्रेस गराउनुहुन्छ मनलाई राम्रो मिठो बनाउनुहुन्छ भनेपछि आइएम कम्फर्टेबल विथ दिस आई डोन्ट वान्ट टु होइन कि उहाँले आफ्नो फेस रिभिल गरौँ भनेर किनकि उहाँ उहाँमा कम्फर्टेबल हुनुहुन्न सो त्यही कारणले गर्दाखेरि आज मैले यो भिडियो लिएर आएको छु तपाईँको अगाडि सो यो भिडियोमा हेरौँ आखिर भएको के रहेछ ओके सो लेट्स सी दिस भिडियो लेकिन भिडियोमा जानुभन्दा पहिला साथीहरू च्यानलमा नयाँ हुन्छ र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने छिटो च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गरेर अलको नोटिफिकेसन बेल आइकन दबाइदिनु होला किनकि यो च्यानलमा मैले लेटेस्ट भिडियो हालिराख्छु सो विदाउट एनी डिले लेट गेट स्टार्ट द भिडियो रेडी हुन्छ लेट्स गो भाई ने भी उसका फेस देखा है आयुष भाई की फैमिली ने भी उसका फेस देखा है अगर यप्पी ने शरई तौर पे नकाब किया होता तो निकाह से पहले यप्पी का फेस आयुष भाई नहीं देख सकते थे बिलाल जब तक बिलाल का कोई ऐसा रिलेशन नहीं होता बिलाल फेस नहीं देख सकता था यप्पी का और कौन लोग हैं और यप्पी के जो क्या बोलते हैं टिकटॉक पे लोग हैं यप्पी के साथ वो नहीं देख सकते थे और मैं तुम लोगों को यही बात बोल रही हूँ कि जब अयप्पी अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में थी उसकी यूनिवर्सिटी लाइफ अभी कुछ टाइम पहले एंड हुई है वो यूनिवर्सिटी जाती थी उसने नकाब नहीं किया वो काम पे तो यहाँ मलाई जो के लागेछ भन्नाले नि यहाँ कोही न कोही हाम्रोको जो भ्युवर्स छ नि हाम्रोको जो आयुष भाइ र आलिजा बहिनीको भ्युवर्स जो छ उहाँले केही न केही एकजना दुईजना र बहुतजनाले मेरो ख्यालमा उहाँलाई डिमोटिभेट गर्न खोजेछन् जस्तो लाग्यो मलाई नकाबबाट लिएर सो म त्यसमा एकदम एप्रिसिएट गर्दैन जसले पनि त्यस्तो तरिकाको कुरा गरे उहाँसँग किनकि यो दुईजना कपल्स भनेको न मेरो एकदम आई रियली लभ दिस कपल्स बिकज यु नो उहाँहरूले सिर्फ हामीलाई इन्टरटेनमेन्ट मात्रै गर्दैनन् क्या होइन एउटा कुरो हमेसा बुझ्नु उहाँले यो इन्टरटेनमेन्टबाट कमाएको पैसाले होइन हमेसा गरिबहरूको लागि बहुत धेरै हेल्प गर्नुहुन्छ सो यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ सो वी हामीले उहाँको सपोर्ट गर्नुपर्छ र जो चिजमा उहाँ कम्फर्टेबल हुनुहुन्न भनेपछि त्यो चिजलाई उहाँलाई होइन जबरजस्ती गर्न नगर्नु होला भन्ने अनुरोध गरिदिन्छु कि मैले उहाँको जो पनि भ्युअर्स जो गर्छ अगाडि हेरौँ है त अब म भिडियो प्लग गर्छु कभी भी नकाब नहीं किया टिकटॉक लाइफ के लिए उसने नकाब किया था ओके एंड वो चीज में वो ऐसा फंस गई कि फिर वो निकल ही नहीं पाई उस चीज से एंड उसने खुद भी कहा कि मैं कभी भी फेस रिवील नहीं करूंगी कभी भी नहीं करूंगी लेकिन लोगों ने हमें इतना मजबूर कर दिया है कि हम नहीं कर सकते और अभी हमारा क्योंकि मुझे पता है इस बात का कि अगर मेरी बहन ने आज नहीं किया तो कल को लोग उसको क्योंकि आज को इतना कर रहे हैं तो कल को पता नहीं और क्या क्या करेंगे इससे अच्छा है क्योंकि मेरी बहन में कोई कमी नहीं है मेरी बहन बहुत खूबसूरत है बहुत प्यारी है एंड जब उसका फेस से नकाब हटेगा यू गाइज विल सी दैट बाय योरसेल्फ ठीक है
इतना लोगों ने उसे तंग किया, ठीक है, बहुत लोगों ने, और उसको मजबूर कर दिया. वो नहीं पता, वो हटाते भी नहीं, लेकिन क्योंकि वो खुद अपने आप को इस चीज में फील नहीं करती अब. वो बिल्कुल भी इस चीज में अब अपने आप को फील नहीं करती. उसने बहुत ज्यादा कंट्रोल किया अपने आप को. वो पिछले 4-5 महीने जब आयुष भाई और अयप्पी की एंगेजमेंट हुई, जब भी इस बारे में बहुत बड़ी डिस्कशन हुई थी घर पे, हम सब ने उसे समझाया था इस बारे में, कि वो जब भी इस बारे को लेके बहुत कंसर्न थी कि वो कंफर्टेबल ही नहीं होती, वो बाहर जाती है, कुछ कर नहीं सकती. एंड गाइज आई रिपीट दिस अगेन, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, जो लोग पाकिस्तानी हैं, जो लोग मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो लोग नॉन मुस्लिम भी हैं, जो कुछ भी हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो. उसने शरई नकाब नहीं किया है, उसने पर्दा नहीं किया, उसने वो हिजाब करती है, हिजाब वो कभी भी नहीं उतारेगी, हिजाब वो कभी भी नहीं उतारेगी. लेकिन जो नकाब है वो उसने सिर्फ लाइफ पे आने के लिए किया था. और ये बात हमारे जो क्लोज लोग हैं वो जानते हैं, हमारी फैमिली जानती है, अयप्पी के फ्रेंड्स जानते हैं, जो लोग अयप्पी के साथ कनेक्ट हुए हैं सब जानते हैं कि ये सिर्फ टिकटॉक की लाइफ के लिए था, ठीक है. लेकिन टिकटॉक की लाइफ की वजह से लोग उसे अब तंग करने लगे हैं, ठीक है. उसको लोग नकाब के ऊपर रख के बहुत जज करते हैं, बहुत ज्यादा जज करते हैं. तो एक एक इंसान एक हद तक बर्दाश्त कर सकता है, हर इंसान की अपनी एक लिमिट होती है. अलीजे की लिमिट अब खत्म हो रही है, बहुत खत्म हो रही है अलीजे की लिमिट. एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है. आप लोग नहीं भी समझोगे तो भी वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप लोग समझ जाओगे तो वो ज्यादा हमारे सही रहेगा. क्योंकि अगर आप लोग हमारे साथ खड़े नहीं होगे तो फिर कैसे, क्योंकि देखो अभी अलीजे को बहुत जरूरत है आप लोगों की, अभी उसे सीरियसली बहुत जरूरत है आप लोगों की. नहीं, बात ऐसी है, ठीक है, मतलब वो टिकटक में आने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, उसको मतलब उसकी मर्जी, ठीक है. अब मतलब हम तो बस आप लोग को बस बता रहे हैं, अगर मतलब ऐसे ये प्लेटफॉर्म मतलब ऐसे उसमें करनी है तो ऐसी करनी पड़ती है, ऐसी सी बात है. पर इसका मतलब ये भी नहीं कि मतलब वो नकाब हटाएगी, वो बात नहीं है, ठीक है, उसकी मर्जी है. वो क्या पता मतलब टिकटॉक में लाइव ही नहीं आया, उसको मतलब क्या जरूरत है इतनी, मतलब वो भी नहीं है कि लाइव आए हुए, वो कभी कभी आएगी, ऐसी सी बात होगी. पर बस आप लोग को एक मैसेज दे रहे कि ऐसी सी चीज है और ये बात को अंडरस्टैंड करिए. मतलब साथ देने का मतलब ये नहीं होती कि बस आके देखो, फूल दो, गिफ्ट दो, ये वो करो, लाइक करो वीडियो, कमेंट करो, ये नहीं. साथ देने की मतलब वो होती है जब कुछ परेशानी हो, ऐसी कुछ चीजें आए, बातें आए, तो तब मतलब स्टैंड करना, तब मतलब स्ट्रॉन्ग फैमिली बनाना, एक बाउंड्री मतलब एक बॉर्डर बना देना कि उधर मतलब कुछ ऐसी ऐसी चीजें ना आए, उसका वो पार ना करे. तो बस आप लोग इसलिए बता रहे ये बातें, नहीं तो बताने की भी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि बस घर की बातें, घर में मतलब बड़े सब लोग हैं, हम तो मतलब सोशल मीडिया में, इसलिए आप लोग को अभी जो 1 साल होने वाले है तो 1 साल तक हम आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करते आ रहे, सब सब कुछ आप लोगों ने दिखाया, जैसे एक मतलब खुली नदी की तरह, खुली किताब की तरह. तो ऐसी कुछ बात ही नहीं है, बस यही बात थी अभी. तो ये बात तो पहले भी आई थी एक बार, पर पहले हमने इतना सीरियस तो नहीं किया, बस अपने अपने तक ही रखा सब कुछ बातें, जो भी हो करेंगे, ऐसे करेंगे, वो करेंगे, हो जाएगी ये वो बोल के. पर कब तक, ठीक है, कब तक करे, एक टाइम होती सब चीज की. अब उससे भी ज्यादा तो पूरी करते बैठेंगे तो सही है ना, तो आगे जाएंगे ना कहीं, सही है, बीच में अटके रहेंगे. कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, क्योंकि देखो डिसीजन एट द एंड ऑफ द डे अलीजे का है. अभी तक आयुष भाई को भी कुछ भी नहीं पता, एंड वल्ला मुझे भी कुछ भी नहीं पता कि क्या डिसीजन है, ठीक है. ये कन्वर्सेशन फर्स्ट टाइम नहीं हुई है, ये जो कन्वर्सेशन है ये पहले भी बहुत दफा हुई है, ठीक है. सबको पता है, मैं लाइव में भी आके बता देता सबको कि जो पीछे होती है आप लोग तो देखते नहीं हो, हमें पता है अच्छे से, मैं पहले ही बोल देता. पर बस पहले ये थी कि बात कि मैं सब कुछ ऐसे नहीं बता देता था. और जो कुछ भी है, जो भी कुछ हो, ठीक है, वी जस्ट वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट ईजी, स्पेशली क्योंकि जब एक चीज आप पे ना मुसल्लत कर दी जाए, मुसल्लत को क्या बोलेंगे, you know, एक चीज आप पे थोप दी जाए, यू आर जस्ट डूइंग दैट फॉर सोशल मीडिया. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मास्क पहनती हूँ सोशल मीडिया के लिए, अब वही चीज मुझे 24 घंटे बाहर पहन के रखनी पड़े,
हाउ कम आई विल बी कम्फर्टेबल. दो साल हो गए इस बात को गाइस, दो साल हो गए. दो साल बोलना आसान है, पता है कि दो साल इज नथिंग ये वो वगैरह, और आप लोगों के लिए बोलना बहुत, जितने भी लोग बैठे हैं अभी क्या पता 90% कुछ सोच रहे हो, 10% कुछ सोच रहे हो, कुछ भी आप लोग, क्योंकि देखे माइंड है, माइंड कहीं पे भी जाएगा, और हम लोग आप लोगों के माइंड को कुछ कर भी नहीं सकते. हम लोग बस आप लोगों को ये बात बता सकते हैं कि अलीजे ने नकाब अपनी मर्जी से ऐसे नहीं किया था. अलीजे का फेस लोगों ने देखा है, अलीजे ने शरई नकाब नहीं किया था, उसने सोशल मीडिया के लिए किया था, और उसका प्लान था हटाने का, बट लोगों के फिर उस डर की वजह से उसने पहन लिया, लेकिन अब लोगों के ही डर की वजह से शी इज आउट ऑफ इट. उसका दिमाग अब बिल्कुल भी किसी चीज पे नहीं हो रहा. अब अभी तक हमें भी ये बात नहीं पता उसने उतारना है अलीजे ने नकाब कि अलीजे ने नहीं उतारना, ठीक है. हमें भी अभी तक कंफर्म कुछ भी नहीं मालूम है. We just want all of you to understand this. जितनी भी लड़कियां पे बैठी हैं, all the girlies who are listening to me, those who are नकाबीज, those who are hijabis, ठीक है. My sister is a hijabi since from her childhood. अलीजे हिजाबी है, बचपन से है, अपनी टीन एज से है. हिजाब वो कभी भी नहीं उतारेगी बिकॉज वो उसकी अपनी चॉइस है. अलीजे ने हिजाब किया, वो बचपन से करती आ रही है, तो हिजाब वो कभी भी नहीं उतारेगी, ठीक है. तो अगर आप लोगों को उसको, आप लोगों का जमीन नाउजुबिल्ला इतना गिरा हुआ है, आप लोगों का ईमान इतना कच्चा है नाउजुबिल्ला, कि आप लोग हम लोग क्या मेरी बहन को इतनी सी बात की उस पर कहो कि नाउजुबिल्ला ये तो ये हो गई, ये तो वो हो गई, तो प्लीज मेरी बहन को कुछ भी बोलने से पहले अपने जमीर पे देखना और अपने गिरेबान में झांकना कि क्या है क्या नहीं है. क्योंकि मेरी बहन अगर इतनी गिरी भी होती तो वो हिजाब सब में पहले, जब उसे फेम मिला था ना, सब में पहले उतार के फेंकती. तो मेरी बहन ने कभी भी कोई वल्गर ड्रेसिंग नहीं की, मेरी बहन ने कभी भी, आज भी वो हिजाब उतारने के फैसले में नहीं है. नकाब उतार रही है क्योंकि वो उसने शरई तौर पर नहीं किया था, ठीक है. हिजाब वो कभी भी नहीं उतार रही. सो कोई भी अगर उसे इस बेस पे जज करेगा, सो आप लोगों की मर्जी है. मर के आप लोगों ने अपनी कब्र में जाना है, ठीक है. हम लोगों ने अपनी कब्र में जाना है, नो प्रॉब्लम. वैसे भी लोगों ने बहुत जज किया है, पहले भी बहुत जज किया है, आज भी करेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें सीरियसली फर्क नहीं पड़ता. लेकिन हमारी बहन जो है, अलीजे जो है, वो अफेक्ट हो रही है, एंड वी डोंट नो वो क्या करेगी, उतारेगी क्या करेगी. टिकटॉक क्या पता वो टिकटॉक छोड़ दे, हमें नहीं पता. बोल रहा हूँ मैं, क्या हो सकता है वो टिकटॉक वगैरह छोड़ दे, क्योंकि जिस तरीके से उसकी तो उसको ये सब कुछ वो हो रहा है, शी माइट लीव टिकटॉक, और क्या पता वो यूट्यूब से व्लॉग्स बनाया करे या वो भी छोड़ दे, नहीं पता. क्योंकि उसने ये भी कहा था, जब डिस्कशन होती है, जब उससे बात होती है, शी इज लाइक कि यार अगर मुझे इतना मैं प्रेशर में हुई और इतना मुझे मेंटली वो हो गया तो मैं तो छोड़ दूंगी. क्योंकि देखो गाइस, सबसे मेन होती है इंसान की मेंटल हेल्थ, ठीक है. जब वही मतलब गुजर रही उस चीज से मतलब वो आम तो नहीं चाहती कि वो कहने के प्रॉब्लम धेरे क्रिएट भयो जस्तो छ के यहाँ व्यूअर्स उसले कहने के त्यो प्रेशर हाल दियो जस्तो छ के अलिजा बनी माथि हैन. सबसे मेन चीज होती है इंसान की मेंटल हेल्थ, तो तब सब कुछ सही है उसमें, मतलब कोई यहाँ पूरा बुझ्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने चाहिँ नि, को यो भ्युवर्सहरूले होइन, हाम्रो यो जो अलिजा बहिनी र आयुष भाइको जो भ्युवर्सहरू छ तिनीहरूले चाहिँ नि केही प्रेसर हालेको छैन होइन. जस्तो अलिजा बहिनीमाथि हिजाब हिजाबको लागि अनि यो जो फेस रिभिल गर्दैन, यो यार किन चाहियो, वाई 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 वी निड दिस होइन. हाम्रोले उहाँको जो उहाँले जुन जो तरिकाको इन्टरटेनमेन्ट गराउँछ नि, हाम्रो त्यसमाथि फोकस गरौँ न. कसैको पर्सनल लाइफमा किन जाम, अगर उहाँ कम्फर्टेबल नै हुनुहुन्न होइन त्यो चिजमा फेस रिभिल गर्न कम्फर्टेबल हुनुहुन्न भनेपछि ओके, उहाँको पर्सनल लाइफ हो होइन. हाम्रो किन त्यसमाथि जाने, हाम्रो एउटा भ्युवर्स हो. भ्युवर्स भनेको होइन मान्छेको पर्सनल लाइफलाई खोदल्ने चिज होइन क्या. हामीले उहाँको जो चिजले हामीलाई इन्टरटेनमेन्ट गराउँछ, जो चिज जो उहाँको भिडियो देखाएर हाम्रो रिल्याक्स फिल गर्छौँ, हाम्रो दिमाग क्लियर हुन्छ, हाम्रो मन क्लियर हुन्छ, त्यो चिजलाई हामीले हेर्नुपर्छ क्या. उहाँको पर्सनल लाइफलाई हेर्नु हुँदैन. एकदम बहुत मान्छेहरू यस्तो छन् जो उहाँ मान्छेहरूको होइन पर्सनल लाइफभित्र नै एकदम डिपली जान खोज्छन् क्या. सो त्यो ठिक लाग्दैन होइन. भोलि बिहान त्यो हाम्रोसँग होला, कोही अरूसँग होला, जसले गरेको छ उसमाथि होला होइन. उसको पर्सनल लाइफमा कसैले त्यस्तै कारणले खोदल्दाखेरि बल्ल थाहा हुन्छ कि पर्सनल लाइफ चिज के हो भनेर होइन. सो मैले यो चिजबाट एकदम इग्नोर गर्छु मान्छेहरूलाई होइन, कि मैले मतलब यो चिजमा जो हुन्छ नि त्यो मान्छेहरूलाई मैले इग्नोर गर्छु क्या. जो मान्छेले अरूको पर्सनल लाइफमा दखलअन्दाजी गर्न खोज्छ या पर्सनल लाइफलाई निकाल्न खोज्छ, सो आई डोन्ट लाइक द्याट काइन्ड अफ पिपल होइन. सो अलवेज स्टे
अवे फ्रम द होइन मान्छेको पर्सनल लाइफबाट सो बेटर हुन्छ क्या. सो हाम्रो आलिजा बहिनी र हाम्रो आयुष भाइ दिस टु कपल इज ग्रेट. मैले पहिले पनि भनिसकेँ होइन यिनीहरूले जो भिडियोबाट कमाएको होइन हाम्रो यो गरिब मान्छेहरूलाई जो निडिड पर्सनहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई बहुत धेरै मद्दत गर्छन्. सो प्लिज उहाँहरूलाई त्यो चिजको हेल्प गर्नु, उहाँको भिडियो हेरिदिनु, मजा लिनु, इन्टरटेन्मेन्ट गर्नु, दिमाग फ्रेस हुन्छ, मन फ्रेस हुन्छ, क्लियर गर्नु त्यसलाई होइन, मनलाई क्लियर गर्नु, दिमागलाई क्लियर गर्नु, एउटा फ्रेस गर्नुहोस्. तर उहाँहरूको पर्सनल लाइफलाई खोदाल्ने कोसिस नगर्नुहोस् किनकि होइन उहाँहरू बहुत प्रेसरमा बस्नुहुन्छ. सिर्फ उहाँले त्यो यहाँबाट कमाएको पैसाबाट होइन आफूले इन्जोय गर्दैन क्या, उहाँहरूले गरिबहरू मान्छेहरू माथि बहुत धेरै मद्दत गर्नुहुन्छ. सो प्लिज उहाँहरूको पर्सनल लाइफलाई डिस्टर्ब नगरिदिनु होला भन्ने मैले अनुरोध गर्छु जति पनि आयुष र आलिजा बहिनीको भ्युअर्सहरू छ उहाँहरूलाई क्या. सो दिस टु कपल्स इज भेरी होइन प्योर सोल, प्योर हार्ट, ब्युटिफुल कपल. सो प्लिज डोन्ट ट्राई टु डिस्टर्ब हिज यु नो पर्सनल लाइफ. सो स्टे अवे फ्रम द्याट. सो मैले त्यही भन्न चाहन्छु. लास्ट केस हेरौँ होइन त्यहाँपछि अपने फ्रीडम के लिए अपने मतलब उसके लिए वो करेगी, खुद की मर्जी से करेगी एंड वही उसके लिए वही अच्छी रहेगी. तो साथ देने वाला था हमारे घर से देखे सब सब लोग है, कोई बस उसकी मर्जी जो भी करेगी करेगी. मैं तो भाई मैं तो क्या मैं तो बस इतने बोलूंगा कि देखो यहाँ होइन आयुष भाइले यो चिज बताउन पर्ने पनि छैन क्या हामीलाई, यो हामीलाई यो चिज उहाँले बताउन पर्ने पनि छैन क्या. बिकज किन बताइरहेका छन् यो कुरा बुझ्नुहुन्छ, बिकज उहाँहरूले त्यो फिल गर्नुभएको छ होइन. हाम्रो पनि उहाँको एउटा मेम्बरसिप जस्तो होइन, एउटा मेम्बर होइन जस्तो एउटा हुन्छ नि साथीभाइ दाजुभाइहरू, त्यस्तै हामीलाई बताइरहेको छ क्या. र साथीभाइ र हाम्रो साथीभाइहरूको एउटा रिस्पोन्सिबिलिटी के हो भनेपछि हामीले उहाँको कुरा बुझिदिनुपर्छ, त्यो हो क्या मेन कुरा. उहाँले हामीलाई होइन आफ्नो मानेर हाम्रो उहाँको भ्युवर्स हो, उहाँको चाहने मान्छेहरू हो, त्यस्तै उहाँहरूले आफ्नो मनको कुरा हामीलाई किन बताइरहेको छ, बिकज दे आर नट फिल कम्फर्टेबल कि आलिजा बहिनीले मार्क्स हटाओस् जो पनि होस् होइन त्यो नहटाओस्, किनकि उहाँहरूले त्यो फिल राम्रो आलिजा बहिनीले राम्रो फिल गर्नुहुन्न भनेपछि त्यो कुरा हामीलाई बताइराख्नुभएको छ. उहाँहरूले नबताएको भए पनि हुन्थ्यो नि, उहाँले भन्दै हटाउनु न उसको मर्जी हो, उसले हटाउँदैन उसको मर्जी हो, किन हामीले हटाउने भन्न पनि सक्नुहुन्छ नि. तर यति प्यारले यति राम्रोले होइन उहाँले हामीलाई एक्सप्लेन गरिदिनुहुन्छ कि यस्तो हो उस्तो भनेर. सो त्यो कुरा हामीले बुझ्दिन धेरै जरुरी छ क्या. यति राम्रो तरिकाले कसैले सम्झाउँछ अरूको अरूको तपाईँ अब टिकटक भिडियोमा या लाइभ भिडियोमा कोही पनि जानु त इन्टरफेयर गरेर हेर्नु त कति रिसाइदिन्छ, कति गाली गरिदिन्छ, कति रिसाएर के गरिदिन्छ होइन. तर उहाँले यति राम्रो तरिकाले सम्झाइराख्नुपर्छ. आलिजा बहिनीले पनि पहिले धेरै भिडियोमा त्यो कुरा भन्नुभयो किनकि विदाउट होइन त्यो नकाप उहाँ कम्फर्टेबल फिल गर्नुहुन्न भनेर भनेर भनि धेरैचोटि भनिराख्नु भयो क्या. सो त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन. सो लास्ट जाम अब धेरै भिडियो छैन जस्तो छ. हजुर फेस पी देखाए या कुछ भी करे तो आँख नहीं लगाना. मेरी तरह दिखती है सेम मतलब बुहारी हो बुहारी हो बुहारी बुहारी म भन्दा धेरै सानो छ आज भाई कुछ हो पोस्ट हो कुछ भी हो कहीं पे भी जाके नीचे लिखने की जरूरत नहीं है कि नो रिवील या रिवील और दिस और दैट, ऐसा सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है ठीक है. क्योंकि ये बात मैं आप लोगों को बता दूं, देखो यू गाइज बिलीव इन गॉड राइट, डू यू यू ऑल राइट. तो आप अगर किसी आपकी इतनी सी बात किसी को कितनी बुरी लग जाए यू डोंट नो. एंड यू नो कार्मा इज अ वेरी बैड बिच, इट विल कम बैक टू यू. अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैं तो किसी को बोल दूं, किसी को लात मार दूं, किसी को तकलीफ दे दूं, तो मेरे पास मैंने तो बोल दी एंड आई एम वेरी कूल, सो दिस इज नॉट कूल ठीक है. यू आर अ फूल. सो गाइस हामीले बुझ्यो आखिर कहाँ भइरहेछ, कहीँ न कहीँ हाम्रो सोसियल मिडियाबाटै चाहिँ यो कुरा निक्लेर आएको रहेछ होइन. सो मलाई ठिक लागेन जसले पनि यो कुरा कोट्याउँदैछ होइन, यो कुरालाई बाहिर निकाल्न खोजिरहेछ, कसैको फिलिङलाई हर्ट गर्न खोजेको छ होइन, त्यो कुरा एकदम नराम्रो हो. सो डोन्ट डु द्याट काइन्ड अफ यु नो थिङ्स वेन पिपल फिलिङ हर्ट फ्रम इनसाइड के. किन हाम्रो उहाँको भ्युअर छ, हामीले उहाँको भिडियोलाई इन्जोय गर्नुपर्छ, उहाँले जस्तो तरिकाले इन्टरटेन्मेन्ट गराउनुहुन्छ, माइन्ड फ्रेस गराउनुहुन्छ होइन, त्यो चिजलाई हामीले हेर्नुपर्छ कि. हाम्रो कसैको पर्सनल लाइफलाई कोट्याउनु ठिक हुँदैन. सो आई डोन्ट लाइक द्याट काइन्ड अफ एक्टिभिटिज होइन. सो मलाई त्यो ठिक लागेन. र तपाईँले के भन्नुहुन्छ,
यो भिडियोमा। सो कमेन्ट्समा गएर लेख्नु होला हैन, र भिडियो सो मेरो सजेसन कस्तो थियो, मैले भनेको कुरामा कतिको तपाईलाई ठीक लाग्यो मैले भनेको कुरा, त्यसको बारेमा पनि कमेन्ट्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएन भने छिटो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गरेर अलको नोटिफिकेसन बेल आइकन दबाइदिनु, किनकि यो च्यानलमा मैले लेटेस्ट भिडियो हालिराख्छु। त ठिक छ साथीहरू, आजको लागि यति नै, फेरि भेटौँला नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्मको लागि जय नेपाल।